हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और यहाँ पर बहुत दिनों से वीडियो शूट नहीं कर रही थी, तो थोड़ा सा मतलब वॉइस देने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब छूटा हुआ है, तो वॉइस देने में थोड़ा हिचकिचाहट सा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग गांव से आने के बाद का जो सूट है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गांव से आने के बाद ये देखिए, सब जो है जहाँ तहाँ उसका क्लीनिंग शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर वो सब जो है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग का सूतक लग गया था, बोले तो गांव में कोई डेट कर गया था छोटी सासू माँ, तो वहाँ तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो बोलते हैं वो थोड़ा क्या वो बराबर ही करना पड़ता है, जैसे वहाँ पर हम लोग करते थे वहाँ पर, यहाँ पर भी हमको। तो वही 10 दिन से हम लोग शूट नहीं किए थे कुछ भी, और ना ही आपको वीडियो मिल रहा होगा। तो यहाँ पर बस एक तो छूटा हुआ था और दूसरा मेरा गला भी ख़राब था, इस कारण से वॉइस भी नहीं दे रहे थे, वैसे वीडियो भी नहीं बन ही नहीं रहा था, छूट गया था, तो अभी तक छूटा हुआ है। तो यहाँ पर बस वही क्लीनिंग चल रहा है, दसमे की तैयारी, जो बोलते हैं बाल नौ नौ केस बोलते हैं, नाखून और बाल कटवाना, तो वही कटवाए हैं। और यहाँ पर साफ सफाई जो भी होने का है वो हो रहा है। तो ये 9वें दिन का शूट था जो हम आपसे शेयर किए हैं। ये पहले सब कुछ साफ सफाई कर लिए हैं ऊपर का, और कल 10वां है, तो 10वें के लिए हम पूरा घर क्लीन करेंगे, बेड वगैरह, तो कपड़ा उपड़ा भी धुलना है। तो वो बहुत कम हम शूट किए हैं, जो भी किए हैं वो हम वही आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गांव से आने के बाद का ये नज़ारा जो है इस सब का ख़राब है, क्योंकि इतना धूप हो रहा है कि धूप के वजह से सुबह उठते ही आपको लगेगा कि 6 बजेगा नहीं कि तब तक लगेगा 10-12 बज गया है, जैसा धूप हो रहा है इस समय, इतना गर्मी हो रहा है। फिर भी अच्छा है, बिहार से तो काफ़ी हद तक अच्छा इधर है, मानसून गिर गया है, तो देखते हैं, एक दिन बारिश भी हुआ है तो अच्छा थोड़ा बहुत लग रहा है। तो थोड़ा बहुत फूल वगैरह जो है जो सूख गया था जाने के बाद, तो लेकिन जो है अब धीरे धीरे शेप में आते जा रहा है। इस पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं, पानी वगैरह जो है एनी टाइम, तो सब सही हो जाएगा मेंटेन में, क्योंकि अगर घर छोड़ कर जाइए तो घर भी वो मेंटेन नहीं हो रहा होता है, कुछ भी करे फिर भी वो होता ही है। और यहाँ पर उसके बाद का सूट है, प्यास काम करते करते जो बोलते हैं ना प्यास लग जाना, वही हुआ। तो यहाँ पर आम का जूस बना रहे हैं, आम का पल्प निकाल करके इसमें चीनी ऐड करके हम इसको जूस बनाएंगे, और थोड़ा सा इसको फ्रीजर में रख देंगे, देखेंगे अगर जिसको खाने को होगा खाएगा, नहीं तो फिर से दूसरा दिन इसका हम जूस बनाएंगे। और लेकिन चीनी ऐड करके रख देंगे तो बस सिर्फ पानी डाल करके मिक्स करना रह जाएगा, तो इसलिए हम इस तरह से चीनी में ऐड करके रख देंगे। और ये क्लीन क्लीन किए हुए उसी दिन का सूट है, जो शाम में हम यहाँ पर आलू और परवल को उबाल के लेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन तक मेरा घर में जो है ना तेल ना नमक ये हल्दी पड़ेगा, तो इस कारण से बस चोखा रोटी सब्जी चावल यही चल रहा है। सब्जी बोले तो बहुत कम चल रहा है, इधर उधर से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बस दाल चोखा सब ये रोटी तो बना लेते हैं, वो प्लेट रख करके बोलते हैं ना, सीधे तवे पे नहीं बनाते हैं, तो वही हुआ, उसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आज का जो है वही पिछले जो सूट है जो बोलते हैं ना, वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा सूट की हूँ, बहुत कम, और वो शेयर शेयर नहीं कर पाई थी, शेयर क्या बहुत दिन से छूट गया था, तो थोड़ा भी मोबाइल जो बोलते हैं स्टैंड लगाना ही
सूट करना ही याद नहीं रहता है। और यहाँ पर ये देखिए, इसका टीवी शो चल रहा है, ये टीवी में देख देख के अपना कार्टून कर रहा है। और यहाँ पर योगा डे दिन का सूट है ये, तो यहाँ पर ये लोग योगा भी कर रही है। तो बोले आपको मिला करके हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बहुत दिन जो बोलते हैं एक एक दिन का छोटा छोटा क्लिप है, तो वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं सबको। क्योंकि यहाँ पर ये लोग का भी, ये देखिए इसका भी यही कार्टून चल रहा है, यहाँ पर इसका तकिया बना हुआ है, ये कार्टून कर रही है अपना, टीवी देखेगी, बस यही मस्ती चल रहा है। स्कूल खुल जाए फिर, कल से स्कूल भी है, तो यहाँ पर उसका भी सब कुछ तैयार करना होगा। और यहाँ पर ये सूतक जो है उसका भी, तो वो सब मैंने बिल्कुल सूट ही नहीं कर पाई थी, तो इतना काम हो गया था कि एक तो गर्मी, दूसरे काम, तो सूट ही नहीं कर पाई थी, बहुत कम हम सूट कर पाए थे आपसे आपसे शेयर करने के लिए ही। बोले तो आवाज़ ही नहीं सही था, वो कारण भी था। और हम सूट ज़्यादातर तो सूट ही करना, मतलब छूट गया आदत, जो नहीं हो पा रहा है, देखते हैं अब बराबर आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आज 10वें हो गया है, ये 12वें दिन है, ये ब्राह्मण जो बोलते हैं वो है, ब्रह्म भोज का दिन है, तो सुबह का सूट है। तो ब्रह्म भोज के दिन हम लोग सब कुछ यूज करते हैं, तो यहाँ पर पोहा बना रहे हैं, बहुत दिन से छूटा हुआ है ये सब, तो यहाँ पर चाय और पोहा हम बना रहे हैं, आज का नाश्ता यही रहेगा। और यहाँ पर बस नॉर्मल सा ही जो भी है घर में, वही हम आज ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से जो बोलते हैं सब कुछ लाए ही नहीं, तो चोखा और दाल वगैरह यही सब हो रहा है, तो कम ही लाते थे क्योंकि गल जाता है सब्जी वगैरह। तो यहाँ पर बस मिर्ची और ये लहसुन थोड़ी सी थी, तो उसको हम काट करके दे दिए हैं, और ये कढ़ी पत्ता भी डाल दिए हैं, लेकिन मैं फली देना भूल गई थी शुरू में ही, तो भूनना था, तो उसको हटा करके थोड़ा सा बीच करके उसमें ऐड कर दी हूँ। और ये देखिए प्याज डाल करके बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम करेंगे, इसको लाल तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, उसी में भुनेगा, तो थोड़ा सा खड़ा खड़ा जो बोलते हैं रहता है, तो वो अच्छा लगता है पोहे के साथ में, तो हम लोग तो इस तरह से ही करते हैं। और आलू को थोड़ा सा भाप करके लिए हैं, तो आज का यही रहेगा नाश्ते में, पोहा और ये चाय पोहा बस। देखेंगे दोपहर में क्या कैसे होता है, अगर सूट किए तो फिर आपसे हम शेयर करेंगे, नहीं तो फिर तो बहुत कम हो रहा है सूट, लेकिन बराबर हम सूट करने का कोशिश करेंगे और शेयर करने का भी कोशिश करेंगे आपसे। तो आज का वीडियो यहीं तक का रहेगा, हो गया नाश्ता पानी, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।